जैसे कि आपको पता है कि हमने आज निकल जाना है वापस, तो सुबह सुबह जो है नाश्ते का इंतजाम सारा हो गया है, बेहतरीन ब्रेड भी आ गया है, दही भी आ गया है, जूस भी है, जैम भी है और बहुत कुछ है। तो नाश्ता करते हैं, 3 दिन बाद जो है इसको हमने स्टार्ट करना है। आओ जी, यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, पानी शानी जो है वो ज़रा ताज़ा दम होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। 75 रियाल का फ्यूल आया है और गाड़ी फुल हो गई है, तो आज ज़रा मार्केट हो लेते हैं, पानी शानी ले लेते हैं और मुँह हाथ धोते हैं, उसके बाद भाई की बारी है, तो भाई जो है आपका गाड़ी में बैठ जाएगा और भगा रखेगा। खाने का इंतज़ार था, खाना जो है भाई ले कर आ गए हैं। जिधर जाते हैं हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को पाते हैं। भाईजान थैंक यू, आपका शुक्रिया। ये देख रहे हैं जी, ये इन भाई का प्यार है और इन भाइयों ने हमें ये प्यार से ये गिफ्ट दिया। हमारे मस्जिद कुबा जी खड़े हैं, हम लोग इशा की नमाज़ पढ़ ली है। अब सबको पता है मस्जिद कुबा की हिस्ट्री, इस्लाम की जी पहली मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जी पहुंच चुके हैं। अब आपको मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि लिए आपको जो ज़्यारत होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कराऊँगा, जो इससे अगला व्लॉग आएगा उसमें आप ज़्यारत कर सकते हैं जी। मैं इन अल्हम्दुलिल्लाह से मदीनातुल मुनव्वरा पहुँच चुके हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जिंदगी बाय जाफिर सज्जाद। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे, सेहत तबीयत मिजाज आपके ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक ठाक हैं और आपको दिखाते हैं हमारी हो चुकी है तैयारी। हम लोग निकल रहे हैं वापसी के लिए। वापसी से हमने एक बड़ी प्यारी सी जगह से होके जाना है, तो आपको पता है आप तो मेरे साथ हैं, हमारे हम सफ़र हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। और एक दफ़ा जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, नाश्ते की आवाज़ आ रही है। अली भाई ऑफिस चले गए हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया होता है, 9 से ऊपर का टाइम हो गया हुआ है, तो अली भी ऑफिस चले गए, बच्चे भी स्कूल चले गए और हम लोग जो है अब वापस निकल रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह फिर आगे रियाज आएंगे, अब आएंगे ज़रा सर्दियों वाले माहौल के अंदर और आपको साथ लेके आएंगे इंशाल्लाह। कंट्रोल कंट्रोल, तो निकलते हैं जी, नाश्ता करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने आज निकल जाना है वापस, तो सुबह सुबह जो है नाश्ते का इंतजाम सारा हो गया है, बेहतरीन ब्रेड भी आ गया है, दही भी आ गया है, जूस भी है, जैम भी है और बहुत कुछ है। तो नाश्ता करते हैं और फिर जो है सफ़र की तरफ तैयारी करते हैं, सफ़र निकलते हैं और हम डायरेक्ट जद्दा नहीं जा रहे। आपको बताते हैं कि हमने रास्ते में किधर जाना है और आपको रास्ते में बताऊँगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो एक दफ़ा नाश्ता कर लें उसके बाद निकलते हैं फिर। चलो जी, सामान चुकी है तो चलिए बैग आ जाओ और ये रे कपड़े जी। चलो जी, 3 दिन बाद जनाब से आपकी भी हमारी मुलाकात हो रही है। उससे पहले जो है हम लोग अली भाई वाली गाड़ी पे सफ़र करते रहे, 3 दिन बाद जो है इसको हमने स्टार्ट करना है। आओ जी। चलो जी, सामान रखे अंदर, कपड़े मेरे इस्त्री हुए थे, मैंने सोचा वो भी ऐसे रख लें, ये रख दिए वो कपड़ों की जड़ निकल जाएगी ऐसे। ये रह गया, इसको भी उठाओ और इसको भी रखो अंदर, चल आ जा बच्चे चल। चलो जी, बैठे हैं गाड़ी में और बड़े 3 दिन बाद आए तो ठीक है, ये भी बांध अपने मजा ना। चलो जी आ जा जी, बंद करो गाड़ी जी। वो देखें जी, जो कल आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था व्लॉग के अंदर मेट्रो, ये मेट्रो जा रही है, इधर ब्लू कलर के अंदर है, ये ऊपर जो ब्रिज जा रही है ये मेट्रो की है। और ये पूरे रियाद शहर के अंदर इसकी जो है ना सवारी आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर इसका जो है वो एक स्टेशन भी हमारे पास है। रियाज ट्रैफिक बहुत है यार, बहुत ट्रैफिक, हम कब से निकले, 1.5 घंटा हो गया हमें शहर से, अभी तक हम आउट ही नहीं हुए। ट्रैफिक रुक जाती है, सिग्नल्स रुक जाते हैं, बड़ी ट्रैफिक है। ये आपको मैं दिखा रहा था जो ऑरेंज ट्रेन का, सॉरी मेट्रो का जो है, ऑरेंज ट्रेन तो लाहौर की है, ये मेट्रो का जी अड्डा स्टेशन है। ये देखें जो टर्मिनल बनाया है अपना बेहतरीन ट्रेन का, आंखें बनाई हैं और हम अभी तक ट्रैफिक के अंदर ही हैं। यहाँ से मेन रोड पे
अब हमें कोई तकरीबन आधा एक घंटा भी और चाहिए मेन रोड पे इंटर होने के लिए। और ये आपको जो मैं दिखा रहा था मेट्रो, वो मेट्रो के पीछे वाली बिल्डिंग देखें, ऐसे लगता है पेपर फोल्ड हुआ हुआ है। आरामको की कंपनी, वो चेक करें, बिल्डिंग्स बड़ी फिट किस्म की बनी हुई है। 2000 years later शहर से हम निकले हैं जी। उसके बाद आपके भाई की थोड़ी सी आंख लगी, आंख लगने के बाद से अब आंख खोली तो ये सहरा ही सहरा है रास्ते में। जिस रास्ते से हम लोग रियाज में आए थे उस रास्ते में तो पहाड़ बहुत हैं, लेकिन जिस रास्ते से जा रहे हैं ये रास्ता ज़रा उसकी अपोजिट साइड पे है, तो इसमें सारे सारे दोनों तरफ सहरा ही सहरा है। तो घर मतलब जिस अगली डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं वहाँ तक सहरा ही है। तो अब हम जिस पे मेन रोड पे आ चुके हैं जिसको मदीना हाईवे भी कहते हैं, और इसी तरफ हमने गामजन है अपने मंजिल की तरफ। अब यहाँ से जब हम शहर से आउट हुए उसमें एक पंप आया, उसके बाद काफ़ी डेस्टिनेशन के बाद जो है वो पंप एक आता है, और फिर उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप पंप आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक अंदर बीच में पैच आता है जिसमें पंप नहीं आते काफ़ी दूरी तक। तो लेकिन हमारे पास फ्यूल भी है, पानी शानी भी है, सारा कुछ है, तो हम भी अपनी पूरी तैयारी में हैं। तो अब आप सहरा देख सकते हैं, वो थोड़ी थोड़ी आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, वो काफ़ी फासले पे हैं बिल्डिंग्स, और काफ़ी अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी आए हैं और सारे प्लांट्स वगैरह आए हैं। व्लॉग इसलिए इतना बड़ा नहीं करूँगा ताकि जो है हम आराम से जद्दा भी पहुँच जाएँ, और रास्ते में जहाँ हमने रुकना है रात वो भी आपको सारा कुछ करवाया दिखाया जाए, तो इसलिए जो है मैं साशा शॉर्ट शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो अब बस पहुँचते हैं अगले स्टॉप पर, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ले जी पंप पे आ गए हैं, ओए हाय हाय। और गाड़ी में हमने सोचा है कि फ्यूल एक दफ़ा फिर रीफिल करा लिया जाए, फुल करा लिया जाए। ये हम जिस दिन आए हैं उस दिन का ही फ्यूल चल रहा है, अब जो है हम लोग फुल कराने लगे हैं अपनी गाड़ी एक दफ़ा, तो देखते हैं कितना एक आता है। हाफ़ टैंक अभी हमारे पास है भी सही, लेकिन हाफ और मज़ीद हम इसमें ऐड करवा लें। यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, पानी शानी जो है वो ज़रा ताज़ा दम होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। 75 रियाल का फ्यूल आया है और गाड़ी फुल हो गई है, तो अब ज़रा मार्केट हो लेते हैं, पानी शानी ले लेते हैं और मुँह हाथ धोते हैं, उसके बाद भाई की बारी है, तो भाई जो है आपका गाड़ी में बैठ जाएगा और भगा रखेगा। बात तो सही है। लें जी बारी आ गई आपके भाई की, गाड़ी में बैठ रहे हैं, अल्लाह मौला खैर करते हैं। ओए आए, गाड़ी 2 मिनट बंद हुई है और गर्म हो गई है, गर्म से मुराद अंदर गर्मी बढ़ गई है। आए चलो जी। 1 eternity later पहली ब्रेक उस स्टॉप के बाद जी, ठीक है जी। तो गाड़ी शाड़ी एक दफ़ा बंद करते हैं जी, और ज़रा रेस्ट करते हैं, गाड़ी को भी रेस्ट देते हैं और ख़ुद भी रेस्ट करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज को भी टाइम हो गया, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं जी। आए हाय हाय, बड़ा सफ़र है यार, तो जी बहुत सफ़र है। इधर ये है कि ज़रा मौसम कुछ कुछ बादल हैं, कुछ कुछ ज़्यादा तो नहीं, कुछ कुछ है। नमाज पढ़ लें आगे चलते हैं। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ने के बाद हमने सोचा कि खा पी लिया जाए, उसके बाद सफ़र कंटिन्यू किया जाए। तकरीबन 3:30 का टाइम हो गया है, इसका मतलब है हमें भूख लग चुकी है, तो चावलों का पता किया वो चावल हमें मिले नहीं, तो अब हमने सोचा कि देसी ढाबों की तरह हम दाल शाल मंगाएं और बेहतरीन तरह से रोटी खा के तो सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सैलड वगैरह हमारे सामने आ चुका है, तो अब जो है रोटी शोटी आती है तो उसके बाद फिर सफ़र कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ रोटी का इंतज़ार है हमें, खाने का इंतज़ार था। खाना जो है भाई लेके आ गए हैं, जिधर जाते हैं हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को पाते हैं। भाईजान थैंक यू आपका शुक्रिया, खाना शाना आ गया जी, खाना खाते हैं और निकलते हैं आगे। फिर ये देख रहे हैं जी, ये इन भाई का प्यार है, और इन भाइयों ने हमें ये प्यार से ये गिफ्ट दिया हमारे, थैंक यू सो मच भाईजान, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। ऑर्डर दिस दिस, ये इनका प्यार है जो इन्होंने हमें प्यार दिया है और दिखाया, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और बरकतें दें इनको। सही बात है, सफ़र में ऐसे ऐसे पाकिस्तानी प्यारे भाई फैंस ऐसे मिल जाते हैं हमें, जिन्होंने हमें प्यारा सा गिफ्ट दे दिया। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, जितना प्यार दिखाया है इन भाइयों ने
इन भाइयों ने मरी वालों को सलाम हो खास तौर पे, और ये भाई अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे और ज़िंदगी सेहत दे और रिज़्क में बरकत दे। ये भाई जो हैं हमारे बड़े चाहने वाले और बड़े प्यार मोहब्बत वाले, मरी वालों को सलाम जी मेरी तरफ से, थैंक यू आपने जो इतना प्यार दिखाया जी। ये जी बड़े बेहतरीन भाई के यूट्यूबर फैन, ठीक है जी। अब आप मदीना से रियाज, रियाज से मदीना जा रहे हो तो आपने इस होटल पे लाजमी आना है, लाजमी आना है। ये भाई जो है आपको बड़ा प्यार मोहब्बत दिखाएंगे, मेरा भाई का आगे नाम लीजिएगा, ये होटल का नाम है इनके और अमान अली उनका अपना नाम है, तो उन्होंने बड़ा प्यार दिखाया, मौला सलामत रखे उनको। आगे चलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, सफ़र कंटिन्यू करते हैं। Later that same evening. हमारी जी गाड़ी का फ्यूल जो है ना उसको भूख लग पड़ी थी गाड़ी हमारी को, हमने सोचा अब गाड़ी को भी रोटी छोटी खिला ले, पीछे हमें तो फैंस ने खिला दी थी, ये देखें बिल्कुल बिल्कुल एंड पे था। अब हम फ्यूल पंप पे पहुंच गए और फ्यूल डलवाते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बस थोड़ा सा सफ़र रह गया हमारा, आपको इंशाल्लाह जाके बताता हूँ मैं किधर जा रहा था। लो जी पंप पे पहुंच गए जी, ओए खैर भाईजान फुल कर दो, खुल गया 91 से फुल कर दो लाले, चलो जी शुरू कर दो फुल कर दो जी, आज देखते हैं कितने में फुल होते हैं, आज बिल्कुल एंड पैसे हैं। लो जी 0 स्टार्ट एंड गो गो शुरू हो गया, सुकून से डालते हैं। 153 में गाड़ी फुल हो गई है और फिर अब सीट्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं, अब मैं इधर आ गया हूँ और 153 रियाल में 69 लीटर पेट्रोल आया जी, रुपए में 153 रुपए में कहाँ फुल होते हैं, 70 फुल साइकिल नहीं फुल होता जी उनते। तो अब इंशाल्लाह आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा सफ़र रह गया, मेरे साथ ही रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जी पहुंच चुके हैं। अब आपको मैं बता ही देता हूं क्योंकि लिए आपको जो ज़्यारत होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कराऊंगा, जो इससे अगला व्लॉग आएगा उसमें आप ज़्यारत कर सकते हैं जी। मैं इन अल्हम्दुलिल्लाह से मदीनातुल मुनव्वरा पहुँच चुके हैं जी, अभी थोड़ा सा पीछे हैं, कोई 5-6 किलोमीटर हरम की हदूद से पीछे हैं, तो जाएंगे गाड़ी पार करेंगे, मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, टाइम हुआ खड़ा है, मगरिब का तो टाइम गुजर गया है, इशा का टाइम हुआ है और जाके मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। हम जब हरम की हदूद से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से हम मदीनातुल मुनव्वरा पहुंच चुके हैं और आपको बता चुका हूँ मगरिब इशा का टाइम भी हो चुका है। और ये मस्जिद कुबा आप देख लें जी, क्योंकि यहाँ पर हमने गुजर जाना है, तो अगला जो व्लॉग होगा उसमें इंशाल्लाह आपको मस्जिद नबी की सारी ज़ियारत कराऊंगा। अच्छा माशाल्लाह, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो है इस टाइम जाएंगे मस्जिद कुबा में या मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हरम की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे, और अगला जो व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह मस्जिद नबी का, वो आपको अगले व्लॉग में ज़ियारत होगी इंशाल्लाह, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मस्जिद नबी की तरफ गामजन हो जाएंगे। और उम्मीद है व्लॉग थोड़ा काफ़ी बल्कि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं उम्मीद है कि व्लॉग जो है मस्जिद नबी के पास जाके एंड करूँगा, जो अगले व्लॉग आएगा उसमें आप इंशाल्लाह जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो मेरे पता हैं वो आपको इंशाल्लाह ज़्यारत कराऊँगा, ठीक है जी। मस्जिद कुबा जी खड़े हैं हम लोग, इशा की नमाज़ पढ़ ली है, अब सबको पता है मस्जिद कुबा की हिस्ट्री, इस्लाम की जी पहली मस्जिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी और यहाँ पर आके स्टे किया था, तो इस्लाम की जी पहली मस्जिद यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ हमने अदा कर ली है और अब हम इंशाल्लाह जा रहे हैं मस्जिद नबी की तरफ। और सफ़र काफ़ी था जो कि हम तय करके आ चुके हैं, अब इंशाल्लाह आगे सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर रह गए, तो उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, आप मेरे साथ सफ़र कर रहे होंगे। जिन्होंने जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत करनी है अगले व्लॉग में लाजमी मेरे साथ रहिएगा। तो इस व्लॉग का यही एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको कल एक नए व्लॉग के साथ एक नए दिन के साथ, जिनकी वजह से आपको कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन पर दबा दो, टिंग टॉन्ग लाइक शेयर जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।